हाय एवरीवन, कैसे हो? फिर से मेरी वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि अगर ईंट की और मिट्टी की छत ना बनाने पर गिट्टी की छत किस तरीके से बनाते हैं। जैसे नीचे लेंटर के ऊपर मलबा डाल के, और ये मलबा गिट्टी छन बाकी बसता है, जैसे मलबा बसता है उसको डाल के, तो उसको हम छत कैसे हैं उसको ढाल में बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। आप ये देख रहे हैं, इसमें नीचे मलबा डला हुआ है, ये लेंटर है। इसमें मिट्टी का काम नहीं है ना, तो ईंट का काम है इसमें। तो इसमें जो आप जो देख रहे हैं, इसमें गिट्टी डली हुई है थोड़ी थोड़ी, और इसमें मलबा डला हुआ है, बाकी जो बस्ता छनन वगैरह सब चीज मिक्सिंग है इसमें। इसके ऊपर क्या है, इसमें जो जीरो ढलाई आप देख रहे हैं, इसी ढलाई हो रही है जीरो गिट्टी की, इसमें जीरो गिट्टी ढलाई हो रही है। तो इसमें जो आप जीरो गिट्टी ढलाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या आपका ढाल बन सकता है। ये उसके लिए होता है जैसे आपके पास पैसे कम हैं, बैलेंस नहीं है, तो उसके चक्कर में आपको इस तरीके से छत बनवा सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से पहले आप जब छत बनवाएं, मिस्त्री हो चाहे ठेकेदार कोई भी, इस तरीके से लेवल करके उसमें ठीए इस तरीके से लगा लें, और उसमें इस तरीके से पट्टी बना लें। उसमें आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से उसमें पट्टी बना के, तो उसमें आप माल का उधर से जब पट्टी बन जाए आपकी, तो इस तरीके से माल डलवा के इसमें फंटी से फिनिशिंग करके ला सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, इसमें पट्टी तो बन चुकी है। तो माल भी आपको करीब उसमें चलाना है, आपको 5-1 का माल चलाना है उसमें। जब भी आप 5-1 माल चलाओगे, जब छत थोड़ी मजबूती रहेगी और जब इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी, क्योंकि माल कम चलाने पर तो कमज़ोर रह जाएगा माल, छत जो है कमज़ोर रह जाएगी। तो जब माल आप डालें उसमें, गिट्टी और उसका चम्मल का माल जब डालते हैं पर इसमें छत बनेगी, तो उसमें जीरो गिट्टी की छत बनेगी, तो माल जो चलेगा तो उसमें ढीले माल चलेगा, क्योंकि टाइट माल नहीं चल पाएगा, ढीला चलेगा जब इसमें मजबूती आएगी आपकी। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ में बताने दिखाने वाला हुई हूँ, तो इस तरीके से आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से माल जब डल के आएगा, तो इस तरीके से उसमें फिनिशिंग आएगी। तो उसमें एक तरीका होता है, आप उसमें चलवा सकते हैं, घोंटा प्लास्टर करा सकते हैं, और नहीं भी करा सकते हैं, उसमें दोनों काम है। आप उस पर घोंटा प्लास्टर नहीं करा सकते, फिनिशिंग उसमें इस तरीके से होती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो गिट्टी की जो फिनिशिंग देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे इस पर घोंटा फिर के जा रहा होगा, तो इस पर घोंटा नहीं है, ये डायरेक्ट उसका बन के जा रहा है, फंटी से फिनिशिंग जो होती आ रही है उसकी। तो आप इस तरीके से उसको फिनिशिंग करा सकते हैं। तो उसमें घोंटा फिरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे अगर आप करा सकते हैं, घोंटा प्लास्टर का काम करा भी सकते हैं। तो यही आपको बताने वाला था मैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो में लाता रहता हूँ। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।